हेलो गाइस, दिस इज सैयद जाफर इमाम और हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस से पैदा होने वाली एंगजाइटी के बारे में। सो बेसिकली अगर आपको हेल्थ एंगजाइटी है या फिर आप ओसीडी के पेशेंट हैं या फिर आपको किसी भी वजह से एंगजाइटी हो रही है इन दिस पीरियड जब हम लॉकडाउन हैं, सो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें, इट विल रियली हेल्प यू। हेल्थ एंगजाइटी के बारे में मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं पास्ट में, मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद हैं, आप प्लीज़ उसे देख सकते हैं। एंड ओसीडी पेशेंट, हेल्थ एंगजाइटी, जीडी एंड ऑल दोस यू नो पीपल, उनके लिए चीज़ें अभी और मुश्किल होने वाली हैं अगले कुछ दिनों में, बिकॉज़ हम घर के अंदर रहने वाले हैं काफ़ी दिनों तक। एंड कोरोना वायरस का वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है, हर एवरीवन इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड आउट। और जिस तरह पूरे विश्व में अभी पूरे वर्ल्ड में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, विच इज़ वेरी यू नो अनफॉर्चुनेट, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंगजाइटी दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और सबसे पहले मैं ओसीडी पेशेंट के लिए कुछ बोल दूँ, बिकॉज ओसीडी वालों के लिए ये वायरस इज़ लाइक अ नाइटमेयर, बिकॉज ओसीडी में ज़्यादातर लोग हाथ धोते हैं, जिसे हम कॉन्टमिनेशन ओसीडी कहते हैं, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा हाथ धोते हैं। एंड यू नो अब इस टाइम पे जब डॉक्टर ने ख़ुद अप्रूव किया कि आपको हाथ धोना है, आपको हाइजीन का ख्याल रखना है, सो अब हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी जो है उनकी हाथ धोने की वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, और एंगजाइटी जो डेवलप होता है वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। सो उनके लिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप अपने घर वालों को फॉलो कीजिए, अपने आस पास वालों को फॉलो कीजिए, जितनी बार वो हाथ धो रहे हैं आपको उतनी बार ही हाथ धोने हैं, ना ज़्यादा ना कम। आई मीन जस्ट टॉक टू योर people, you know, family members and all those people that there are around you at the moment, they will help you. So आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, just just be hygienic, that is it. और you know ये एक period है, वो भी चला जाएगा, it will just go on, you know, as long as you are inside your home, things will be fine for you, okay? So health anxiety वालों के लिए तीन hacks है, तीन चीज़ें जो आप कर सकते हो इन दिस पीरियड। वो फर्स्ट ये कि आप पहले रैशनल वे में थिंक कीजिए, पहला स्टेप ये है कि आप रैशनली सोचिए चीज़ों को। और अगर आपको एंगजाइटी हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप रिकॉल कीजिए कि अगले पिछले पाँच से दस दिनों में आप कहीं बाहर तो नहीं गए ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये वायरस पहले से स्प्रेड आउट है, जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है, और या फिर आप किसी ऐसे शख्स से तो नहीं मिल कर आ रहे हैं जो कि किसी विदेश जगह से आए हैं, किसी विदेश से आए हैं, या फिर आपके आसपास आपके मोहल्ले में या फिर आपके घर में किसी को ये वायरस तो नहीं है। अगर ये तीनों में आपका जवाब ना है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट स्टे एट योर होम, जस्ट जस्ट बी ऑन देयर, और हाइजीन का ख्याल रखिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बिकॉज जितनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं उन सब से ना बहुत ज़्यादा एंगजाइटी डेवलप हो सकता है, बिकॉज मैं लास्ट ईयर आई वॉज अटैक्ड बाई दिस हेल्थ एंगजाइटी वेरी सिवियरली, मुझे बहुत सिवियर हेल्थ एंगजाइटी का अटैक था एंड 3-4 महीने तक आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद माई मेंटल हेल्थ। सो आई नो कि अभी जो लोग इसे सफ़र कर रहे हैं उन्हें क्या लगता होगा। सो पहला हैक ये है, पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको रिकॉल कीजिए कि क्या आप ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ पर ये वायरस पहले से बहुत फैला हुआ है, या फिर आप ऐसे शख्स से मिल कर आ रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल कर आ रहे हैं कि जो विदेश से आए हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट जस्ट स्टे एट होम, और आपको कोई किसी तरह की कोई चेकअप की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको चैटिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, वो भी डेली बेसिस पे। चैंट जो हम कहते हैं कि हम अपने आप से बात करते हैं बेसिकली आँख बंद करके, सो जस्ट टेल योर सेल्फ कि आई एम हेल्दी एंड आई एम नो एक्सेप्शन, मैं कोई अलग से बंदा नहीं हूँ, मुझे जितना और लोगों को ख़तरा है उतना मुझे भी ख़तरा है। एंड मुझे इस बात पर एक शेर याद आता है जॉन एलिया साहब का, और उनका ये शेर मुझे अब समझ में आया, उन्होंने ये बात कही थी बहुत सालों पहले कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, जॉन एलिया कहते हैं कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। सो डिस्टेंस बना के रखिए लोगों से, घर के अंदर रहिए आराम से, यू नो बाहर मत निकलिए, एंड यू नो चैंट कीजिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी एंड आई एम नो एक्सेप्शन, मैं कोई अलग से कोई यू नो एलियन नहीं हूँ कि मुझे वो बीमारी घर के अंदर भी हो जाएगी या बाहर हो जाएगी, जस्ट 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 स्टे एट होम, यू बी फाइन। तो चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए, यू बी फाइन। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम कीजिए, अच्छी कंटेंट
अच्छी वीडियोस, अच्छी ऑडियोस, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए. कोरोना वायरस के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बाज़ार में आ चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं. मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, या फिर वो एक तरह से, वो भी ठीक है कि आपको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही हैं. पॉजिटिव चीज़ें भी इसकी हैं, जिससे आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी फर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं. बट इट डज़ नॉट मीन कि ये बीमारी हल्की है, ये बीमारी आसान है. ये बीमारी बहुत डेंजरस है ऑब्वियसली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, आपको अच्छी वीडियोज़ देखनी है, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें. रीड गुड थिंग्स, रीड गुड आर्टिकल्स. अगर आपके पास बुक हैं तो आप बुक्स पढ़िए, अपना टाइम अच्छी जगह कंज्यूम कीजिए, सो दैट आप एक अच्छे मेंटल स्पेस में रहें. बिकॉज़ हम सब घर में हैं काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिनों तक रहेंगे घर में, तो प्लीज़ अच्छी चीज़ें देखिए और अच्छी चीज़ें कंज्यूम कीजिए. अपने मेंटल अपने माइंड को अच्छी चीज़ें दीजिए, बिकॉज़ हम जो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में पुटअप करते हैं, हम वही चीज़ें सोचते हैं. आर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक आई स्टोरेज. हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वही स्टोरेज है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जमा होती है, और फिर हम उसी तरह से सोचने लगते हैं. सो पहला स्टेप क्या था, कि पहला स्टेप था कि यू हैव टू रिकॉल कि आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं गए जहाँ पर ये बीमारी फैली हुई. अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, अपने घर पे रहिए. सेकेंडली, आपको चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है डेली बेसिस पे. एवरी डे कम से कम 10 मिनट आप मेडिटेट कीजिए और चैंट कीजिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी. आप अपने ज़माने में बोल सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये चीज़. थर्ड, कंज्यूम कीजिए अच्छी चीज़ों को, अच्छी वीडियोज़ देखिए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, एंड इट विल जस्ट गो अवे. ये जो बुरा वक्त है वो चला जाएगा. सो हेल्थ एंगजाइटी के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं. जब जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको हर हर बीमारियों के बारे में, हर बीमारी के बारे में आपको डर होता है, देन हज़ार बहाने होते हैं ये बिलीव करने का कि यार मेरे को ये बीमारी हो गई है. सो कोरोना वायरस के, अगर आपको एंगजाइटी हो रही है, तो प्लीज़ 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 कंज्यूम गुड थिंग. आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, आप उनकी वीडियोस देखें जिनको ये पास में बीमारी हुई थी. मेरे यूट्यूब अकाउंट पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं, जिसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई है, डिप्रेशन, ओसीडी, एंगजाइटी, हेल्थ एंगजाइटी. आप वो सब वीडियोज़ देख सकते हैं. इसके अलावा और जो लोगों ने वीडियो बनाए रखी है, मैं आपको दो तीन नाम रेकमेंड कर देता हूँ. एक नाम है मेल रॉबिन्स का, जो कि अंग्रेज़ी में बोलती हैं, मेल रॉबिन्स, जय शेट्टी और कार्ल वेनन. ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हेल्थ एंगजाइटी पे वीडियो बनाते रहते हैं. सो आपको इन्हें देखनी चाहिए. ये चीज़ें थी. और जस्ट जस्ट थिंक रैशनली. आप अपने आप को जितना रैशनली आप सोच सकते हो, जितना आप लॉजिकली सोच सकते हो, उतना सोचिए. बिकॉज़ जितना आपको ख़तरा है इस बीमारी से, उतना इस साल